न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां वाराणसी में ज्ञानवापी से जुड़े एक अन्य मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई हुई। वहीं ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर की तरफ से दाखिल वाद पर सुनवाई हुई, जिसमें मांग की गई है ज्ञानवापी के मालिकाना हक हिंदुओं के पक्ष में घोषित करने के साथ ही 1993 में की गई बैरिकेडिंग को हटाने का अनुरोध भी किया गया है। वहीं विवाद अधिवक्ता अनुष्का तिवारी ने बताया कि आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष में आपत्ति दर्ज करते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट में जिस डॉक्यूमेंट का हम लोगों ने जिक्र किया, मुस्लिम पक्ष ने उसे डॉक्यूमेंट की मांग की है, जबकि वो डॉक्यूमेंट पहले से ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। कोर्ट ने अगली तारीख 19 अगस्त की रखी है और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। आज सुनवाई थी, अंजुमन इंतजामिया की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें कि उन्होंने ऋग्वेद औरंगजेब के फरमान के बारे में और बनारस इलस्ट्रेटेड के बारे में और जैन प्रसप की बुक के बारे में जो डॉक्यूमेंट के बारे में हमने अपने वास क्षेत्र में उल्लेख किया है, उसके बारे में उन्होंने उस डॉक्यूमेंट की डिमांड की। आज लॉर्ड विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग बनाम डीएम के मुकदमे में सुनवाई थी और सुनवाई ये होनी थी कि जो अवैध बैरिकेडिंग लगाई गई है उसको हटाया जाए और नियमित पूजा पाठ करने की व्यवस्था वहाँ किया जाए, एक भव्य मंदिर का निर्माण वहाँ हो। वही अगली खबर सहारनपुर से है, जहां चुंगी स्थित होटल सभागार में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कहना है कि दयनीय घटना है। मणिपुर और हरियाणा में जिस तरह की घटना सामने आई है, ये घटना बहुत ही दुखद है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे मामलों को रोकने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा शहर से लेकर देहात तक अभियान चलाकर इसमें लोगों को जागरूक करेगी। सरकार को इस तरह की घटना पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हरियाणा में नूह में जो घटना हुई उनका कोई दोष नहीं था, आप लोग सभी को पता है, जो रैली निकाल रहा है उस पर उसका क्या दोष है? जैसे उनके साथ पथराव किया गया, वो क्या बहुत गलत किया गया, हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में हम उनका उनके 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 खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसका पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ये भविष्य में भी रहे, इसके लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। ये हमारी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है और हिंदुओं के पराक्रम पर निर्भर करता है। चूँकि आप देख रहे हैं कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र चल रहा है, जितने भी ये ईसाई मिशनरियां हैं, जो मुस्लिम जो मौलवी हैं, ये सब के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर षड्यंत्र चल रहा है और हिंदुस्तान में हिंदुओं को माइनॉरिटी बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। वही अगली खबर सहारनपुर से है, जहां अग्निवीर भर्ती आज से शुरू हो चुका है। वही अग्निवीर भर्ती को लेकर सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज शामली और रामपुर के युवाओं की अग्नि परीक्षा हो रही है। वहीं अग्निवीर भर्ती को लेकर सहारनपुर के SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। वही आपको ये भी बता दें कि सोमवार की शाम से ही सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर सेना ने स्टेडियम के अंदर और बाहर की कमान संभाली है। वही अभ्यर्थियों ने सुबह 4 बजे से स्टेडियम में एंट्री शुरू कर दी है। इसके बाद सुबह 6 बजे भर्ती के लिए युवा ट्रैक पर दौड़े। दौड़े में पास होने वाले युवा लंबी कूद, जिगजैग, बीम की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और सभी प्रक्रियाओं को पास करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज जमा कर लिए गए हैं। वही आपको बता दें कि भर्ती आगामी 26 अगस्त तक चलेगी, जिसमें पश्चिमी यूपी के 13 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। बिल्कुल है जी, शामिली से। शामिली से जी, काय के लिए आए थे आप? हम आर्मी में भर्ती के लिए आए थे जी। आर्मी भर्ती जी, कैसा रहा? जीडी से था जी, मेरा अच्छा रहा जी, टाइम बढ़ी थे पर मेहनत में कमी रही जी। मेहनत में जी, मतलब वैसे तैयारी हाँ जी तैयारी बढ़ी थी जी। भाई थोड़ा अपना वैसा एक तो हाथ भर गए और जी वैसा थोड़ा फिनिशिंग उठी जी। वही अगली खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा के बाहर महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद आत्मदाह से पहले पुलिस ने महिला को दबोचा और पुलिस की मुस्तैदी से ये घटना को टाला गया। वही बागपत से आई थी महिला विधानसभा पर आत्मदाह करने के लिए, विधानसभा के बाहर मुस्तैद पुलिस ने महिला को पकड़ा और इस पूरे प्रक्रिया को रोक लिया। वही अगली खबर हरदोई से है, जहां कोतवाली शहर इलाके में शातिर टप्पेबाजों ने पुलिस चेकिंग का भय दिखाकर
मंदिर जा रही एक वृद्धा से जेवरों की टप्पेबाजी कर ली और फरार हो गए। ये टप्पेबाज खुद को पुलिसकर्मी बता रहे थे। शहर इलाके में दिन दहाड़े हुई घटना से सनसनी फैल गई। वही पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर शीघ्र ही घटना का खुलासा करने की बात कह रही है। आ रहे थे बालाजी हम अपने बच्चे की वजह से, और हमको घंटा घर पुलिया के पास मिले, माँ जी कह के आवाज दी, एक खड़ा रहा एक निकली, बोले माँ जी आगे चिकन हो रही है और ये अपना जेवर उतार लो। फिर हमारे लड्डू वाले लिफाफे में ही उसने पांच के चैन की, कान की बालियाँ थी, अंगूठी थी, वो सब उसने बांध दी। फिर हमें आगे चल के ये महसूस हुआ, लाउंज खोल के तो देखें इसमें क्या, हमें पुलिस का कार्ड दिखाया, फिर हमें भरोसा हो। रास्ते में घंटाघर के पास दो युवक मिले और उनसे उन्होंने कहा कि माता जी आप कहाँ जा रही हैं, और फिर जो ये गहने पहने हैं इसको बाहर मत तो करिए, इसको झोले में रख लीजिए। तो उन्होंने निकाल झोले में रख लिया। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा उनके झोले में गहने नहीं है। वही अगली खबर हरदोई से है, जहां बेनीगंज कोतवाली इलाके में सांगवान पोल्ट्री फार्म की गंदगी से निकली मक्खियों से परेशान सात ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वही सूचना पर एडीएम सीओ समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझा कर नीचे उतारा। ये एक पोल्ट्री फार्म है यहाँ, तो उसमें मक्खियाँ जो है उड़ती है, उसकी शिकायत है लोगों की, गाँव वासियों की, कि मक्खियाँ बहुत ज्यादा पूरे गांव में उड़ रही हैं। उसके संबंध में फॉगिंग और मक्खियों के निराकरण की उनकी शिकायत थी। इसी के क्रम में आज सात लोग टंकी पे चढ़ गए थे और पूर्व में इसकी जांच हो चुकी है। उसकी जांच आख्या की कॉपी इनको चाहिए थी, वो उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही जो भी कार्रवाई होनी है हम लोग की तरफ से, प्रदूषण विभाग की तरफ से या पशु विभाग की तरफ से, वो हम लोग एंश्योर कराएंगे। शिकायत करी, बहुत फोन भय, बहुत धरना भय, कोई सुनना ही रहो, ऐसे समस्या आई, ऐसे तो मक्खियां लग रही हैं, कम से कम एक साल में 50 लोग मरे हैं मेरे गांव में। भाई अगली खबर सोनभद्र से है, जहां पीपरी थाना अंतर्गत बीते दिनों रात्रि में मलिन बस्ती रेलवे कॉलोनी में किन्नर किरण मिश्रा के घर में उनके साथ मारपीट कर बेहोश कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके संबंध में थाना पीपरी पर अज्ञात अभियुक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों को हिरासत में ले। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 18/19 जुलाई की मध्यरात्रि में एक ट्रांसजेंडर किरण मिश्रा के साथ मारपीट की घटना प्रारंभ में प्रकाश में आई थी, और वो उनको ज्यादा चोट लगने की वजह से हॉस्पिटल में बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया था। जब उनको होश आया तो होश आने के बाद उन्होंने अपने साथ अपने आभूषणों की लूट की भी बात बताई थी। उसी के आधार पर पिपरी पुलिस इस घटना की गहन तफ्तीश और आसूचना संकलन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इसमें कुल 3 अभियुक्त इसमें शामिल थे, जिन्होंने उनके साथ मारपीट और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। वही अगली खबर हापुड़ से है, जहां 6 लोग एक बाइक पर सवार थे, जिसका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो काठी खेड़ा रोड का बताया जा रहा है, जहां एक बाइक पर 7 लोग सवार हैं, जिनमें नाबालिग भी शामिल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 6 लोग बाइक पर किसी तरह से बैठे हुए हैं, जिन्होंने 7वें युवक को अपनी पीठ पर बैठाया हुआ है। वही आपको बता दें कि सड़कों पर खुलेआम स्टंट करने वाले इन बाइक सवारों को अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है, वही जरा सा भी संतुलन बिगड़ने पर जान भी जा सकती है। ये पूरा वीडियो पुलिस के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। वही अगली खबर अमेठी से है, जहां बाजार शुक्ल में अपर पुलिस अधीक्षक हरिंद्र कुमार द्वारा निरीक्षण किया गया और थाना अध्यक्ष बाजार शुक्ल अवनीश कुमार और उपस्थित अधिकारी कर्मचारीगण को अपराध नियंत्रण, लंबित विवेचना और शिकायती प्रार्थना पत्रों का समय बंद गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करने हेतु आवश्यक आदेश निर्देश दिए गए। इस दौरान समस्त थाना स्टॉप अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। मेरे द्वारा थाना बाजार शुक्ल का इंस्पेक्शन किया गया, इसमें मुख्य रूप से भवन मालखाना और रिकॉर्ड चेक किए गए, स्थिति संतोषजनक पाई गई है, छोटी मोटी कमियां थी उनको दूर करने के लिए आदेश कर दिया गया। वही अगली खबर झांसी से है, जहां वार्ड नंबर 20 की सभासद निधि नीरज वर्मा के नेतृत्व में शंकर सिंह के बगीचे में एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। वही जानकारी के अनुसार महानगर के वार्ड नंबर 20 में
शंकर सिंह के बगीचे में निधि नीरज वर्मा के नेतृत्व में नगरीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। वही डॉक्टर रवि सोनी ने बताया कि आज चल रही आई फ्लू से बचाव के बारे में ये पूरी जानकारी दी गई और सभी मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में बताया गया और ब्लड शुगर की जांच हुई। वही स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ मारुति नंदन धाम मंदिर के पुजारी उमाशंकर त्रिपाठी ने फीता काट कर किया। इसमें दो चिकित्सक आए हैं और एक फार्मासिस्ट, एक LT हमारा, 4 ANM, 3 आशाएं बहु हैं और यहाँ पर टीकाकरण की भी सुविधा दी जा रही है IMI के अंतर्गत एवं लैब से फ्री जांचें हैं हमारी, जिसमें हमारा जो है हीमोग्लोबिन, शुगर, BP, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड इत्यादि जांचें हम दे रहे हैं। लगभग हमारा टारगेट 250 से 300 मरीज का रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।